इंडियन टीम के प्लेयर्स अपने हाथ के बाजू पे काले पट्टी बांध के मैदान में उतरे थे। तो चलिए मैं आज ये बताऊंगा कि आखिर क्यों आज सारे के सारे इंडियन टीम के प्लेयर्स के बाजू पे काले धागे था। जी हाँ, इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप 1983 का वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए, जश्न करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद यही मशहूर सिंगर जिनका नाम आज पूरी दुनिया में लिया जा रहा है और शोक के साथ लिया जा रहा है, इनका नाम लता मंगेशकर जी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने पॉकेट के पैसे से, अपने खर्च से 20 लाख रुपए इंडियन टीम के प्लेयर को दिया ताकि वो लोग खुशी जताएं और जीत का जश्न मनाएं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए लता मंगेशकर जी के आज निधन के बाद पूरी इंडियन टीम शोक जता रही है। उनके शोक में आज हमारे सारे प्लेयर्स अपने बाजू पे ब्लैक पट्टी बांधे हुए हैं। तो चलिए ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों ये ब्लैक पट्टी बांधते हैं जब किसी का निधन होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लेयर उनके सम्मान में ब्लैक डे के तौर पे अपने हाथ पे पट्टी बांधते हैं, हाथों पे ब्लैक पट्टी बांध के मैदान पर उतरते हैं। तो इसका सिंपल सा ये अर्थ है कि उस दिन या तो उनके किसी प्लेयर्स का निधन हुआ है या उनके देश के किसी सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ है, जिसके बाद ही वो ऐसे पट्टी बांध के मैदान में उतरे हैं। तो दोस्तों,